Hey guys, so welcome back to my channel. So today I am back with a video of Amit Badana, and last time done with a video of part 1 of Dastaan Dhoka, and today I am back with a video of Dastaan Dhoka part 2, and that video is Badla, of course. So abhi tak wo video nahi dekha hai part 1, so link maine description box mein de diya hai. So just go guys and check it out that video too. So I'm really very excited about this video. So without wasting any time, let's start this video. तो दोस्तों, जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा कैसे रोहित ने मौके पे चौका मारा और अमित के छक्के छोड़ा दिए, देखना अब ये होगा कि अमित रोहित को क्लीन बोल्ड करेगा या रोहित फिर से उसको बाउंड्री के बाहर फेंक देगा। गले में गमछा एडिडास के शूज, तू दोस्ती में प्यार का कर गया मिसयूज। छोटा भाई समझ के माफ कर दे उसको। साहब छोटा हो या बड़ा, जहर दोनों में बराबर का हुआ है। वैसे उसने भी ना रिया के सामने तेरी बहुत कुत्ता कचहरी कर दी, पर उसमें कुछ क्लिप्स दिखाए थे पहले के। और बदला मैं थोड़ा सा ठंडा करके लेता हूँ। फिर आगे का क्या प्लान है? बात तो कंचान की या गिल्ली बल्ला की या छुपम छुपाई की या स्पाइस की, वो पेटू राम ना मुझसे कभी न जीत पाया। और अब बात है लोंडिया की, तो यूपी से हूँ, अपनी पसंद की कार को और अपने प्यार को इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं लगने देते। चाह खत्म इन लोगों की सोच है, उससे आगे तक अमित बढ़ाना की पहुंच है। प्यो प्यो हुंदा है ते पोत पोती हुंदा। भाई तूने गेम तो अच्छी खेली है, मजा आ गया, लेकिन भाई एक बात याद रखियो, अमित बहुत चालू है, वो चुप नहीं बैठने वाला। यही तो मैं चाहता हूँ, इस बार कोई गड़बड़ करे और रिया की नजरें फिर से गिरे। अब की बार तेरा भाई भी फुल प्लानिंग से चलेगा। चलेगा से याद आया, चलता हूँ, रिया को भड़काने का टाइम हो गया। हाय रिया, ये लोग तुम्हारे लिए लाए हूँ स्पेशल खरीद कर। थैंक्स। यार वैसे अमित भी कितना बड़ा लड़काबाज निकला। लड़काबाज मतलब लड़कीबाज यार, लड़की देखकर तो ऐसे चिपक जाता है, गुड़ देखकर मक्खी। उसका नाम मत लो मेरे सामने, ना तो उसकी अभी तक कोई कॉल आई है ना कोई मैसेज। आएगी भी कैसे, इसका फोन लेके चुपचाप से हर जगह से ब्लॉक जो कर दिया। यार कितना नकली इंसान है वो, जिस दिन तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी ना मेरे लूज मोशन लग रहे थे और मैं फिर भी तुम्हारे लिए आया। अरे गुस्से देखो कितना बदतर दिल इंसान है। यार रो मत यार प्लीज। हेलो विपिन भाई, रिया की कॉल आई है, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी आज, उसने बुलाया है मुझे। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, अपनी गाड़ी की चाबी दे दे। अरे मैंने नई गाड़ी ली है। ले जा तू, घुमा रिया को उसमें। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी कितना तड़प रहा होगा। आज मेरे मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है और स्पेशल डे पे मैं तुम्हें एक स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने इतने टफ टाइम में मेरा साथ दिया है। ये तो मेरा फर्ज था यार। होते हैं यार ऐसे बहुत सच। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अबे धोंटू के ऋतिक रोशन, तुझे कब से हॉर्न मार रहा हूँ, सुनता नहीं? पोकेमॉन की तरह उल्टा जा रहा है। बेटा ये बताओ गाड़ी किसकी है? किसकी क्या जी, मेरी है, पापा ने गिफ्ट करी है। पापा ने?
पापा ने गिफ्ट करी है। तो मैं क्या तेरा पापा हूँ? अमित से बोला अंकल जी। और तमीज के ताऊ, ये गाड़ी मेरी है जिसे तू चोरी करके ले जा रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे अमित बेटा, तुम यहाँ कैसे? अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं तो कुछ नहीं अंकल जी, यहीं मंदिर तक जा रहा था। अरे क्या बात हो गई अंकल जी? इनकी खेलने कूदने की उम्र है और ये गाड़ियां चोरी कर रहे हैं। ओ अरे मैयारी। अरे गाड़ी तो ये विपिन की थी, क्या गेम खेल दी। अब तू जा फ्लैशबैक में। पुलिस वाले बिट्टू अंकल ना डेली चंपा होटल के ऊपर ना अपने सिर की मसाज कराने आए हैं। 10-15 मिनट में आने वाले होंगे और अपनी गाड़ी की चाबी देके जाना है पार्किंग वाले को। तू पार्किंग वाले को बात में लगा, बाकी काम मेरे पे छोड़ दे। भाई तेर से बोला है थोड़ा कम इतराया कर। भाई कौन है तू? भाई जब कह रहा हूँ कि थोड़ा कम इतराया कर। ले चाबी, गाड़ी पार्क कर दे। चल ये बता दे, राज दरबार अच्छा है या दिलबाग? मैं पागल है क्या? कार तो आ गई, अब आगे क्या करना है? आज रिया के मम्मी पापा की सालगिरह है, वासु मिलने कोई जरूर जाएगा। हाँ तो कैसे जाएगा? उंगलियों से चल के। अबे कार से जाएगा शक्तिमान। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब जब वो लोंडिया से मिलने जाता किसकी कार लेके जाता है? विपिन की। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ अमित कितना तड़प रहा होगा। बुरे काम का बुरा। भाई देखो जैसा तुमने कहा मैंने वैसे ही सब कुछ किया। भाई पप्पू बॉडी बिल्डर को मत बताना कि उसकी बेटी मेरी साइटिंग है। ये पकड़ चाबी जो तुझे रोहित को देनी है। अब आगे बिट्टू अंकल की ड्यूटी कहाँ है? पीछे थाने में। बिट्टू अंकल की नजरों में सबसे अच्छा बच्चा कौन? तू। अब बिट्टू अंकल को कौन इन्फॉर्म करेगा उनकी गाड़ी चल गई है? तू। तू हेलो बिट्टू अंकल। भाई माफ कर दे, बचा ले मुझे। बचाऊंगा लेकिन तुझे नहीं, रिया को। एक महिला कांस्टेबल भेजो जरा। अरे अंकल जी मैं क्या कह रहा था, देखो ये लोंडा तो मुझे शकल से एक नंबर का चोर लग रहा है। देखो इसकी शकल देखो ध्यान से, इस लड़की को देखो, बिचारी को देखो, कितनी कोमल सी लड़की है। ये आपको किस एंगल से चोर लग रही है? हाँ अंकल मुझे नहीं पता था ये गाड़ी चोरी की है। चोरी का सब मोह माया है, अमित बढ़ाना हर जगह छाया है। बिट्टू अंकल गाड़ी में पहुंचवा दूंगा आपके घर। I'm sorry यार अमित, misunderstanding के लिए। माना टॉप क्लास है आपकी ब्यूटी, लेकिन आपके पीछे लोंडो को पेलना है हमारी ड्यूटी। हाँ जी पापा, मेरे रिश्ते वाले आए हैं। रिश्ते वाले आए हैं। Again. Okay, so this is a satisfying video कि उसके friend ने उसके साथ बुरा किया तो at the end उसके साथ में भी बुरा हुआ। तो जो गलत करता है definitely उसके साथ में भी बुरा होता है। कर्मा लूप में चलता है क्योंकि सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसके अंदर बहुत सक्सेसफुल रही, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उसका फ्रेंड कि मतलब अपने ही फ्रेंड को दुखी करके कैसे कोई फ्रेंड खुश रह सकता है। जैसे कि अच्छी एंडिंग होनी चाहिए वैसे ही अच्छी एंडिंग हुई,
कि उन दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई। एट द एंड रिया ने अमित को सॉरी बोला, क्योंकि उसके फ्रेंड ने गलत सलत चीज़ें उसके दिमाग में भरी थी वो फाइनली क्लियर हो गई। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने फ्रेंड के साथ में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बैठ के डिस्कस करो और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दास्तां ए धोखा बाय अमित बड़ाना। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।